अस्सलामुअलैकुम बिल्ली, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो लो जी, आज हम जा रहे हैं बाहर। आज चूँकि ईद मिलाद नबी है तो बाहर जाके देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लेट उठा हूँ तो टाइम से तो मैं उठा नहीं भाई। पता नहीं अभी इस टाइम होंगे बाहर, कोई फेरे होंगे कि नहीं, लोग फेरे होंगे, क्योंकि लोग इस टाइम गाड़ियाँ अपनी से जा के निकले होते हैं भाई। ट्रक बड़े बड़े सजे होते हैं, बड़े जेंगो किस्म के लगे होते हैं, तो चेक करते हैं जाके भाई। अगर तो कोई देख गया तो बनाएंगे वीडियो, ठीक है? नहीं तो भी मर्जी है। रात को भी बच्चों को तो भी लेके जाना है भाई। जाने पर रो के सो गई है कि मुझे जाना है, अभी गर्मी थी। मैंने कहा यार इस टाइम बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो रात को लेके जाऊंगा आपको। अभी मैं खुद जाता हूँ, जाके देख के आते। अगर तुम मिल गया तो ब्लॉग में वो भी लेके आएंगे। बाइक को मैं रेडी कर लिया, अपनी साफ सुफ कर लिया, जैको किस्म की साफ़ हो गई है भाई। बाइक बहुत गंदी हुई पड़ी थी ये कुछ दिनों से, तो बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई हुई थी। तो निकलते हैं यार जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके बाहर आने के साथ साथ हमें भाई दोस्त के कुछ आसार मिलने शुरू हो चुके हैं भाई। ये गाड़ियाँ देखिए यार, खसी लोगों ने सजाई हुई हैं भाई ट्रक। लेकिन यार पहले जो लोग सजाते थे वो ज़्यादा ऐसा लोग सजाते थे, पता नहीं यार महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई हुई है यार, रात को वाले नहीं रहे हैं, इसकी वजह से लोग अब इतनी ज़्यादा नहीं करते। अब यकीन मानो पहले इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती थी ना कि मैं क्या कहूँ, घोड़ा चेक कर लिया, तगड़ा घोड़ा तो पहन लेना सी की हो गया है। अच्छा भाई, खुशकिस्मती से हम जुलूस वाली जगह पर पहुंच गए। ये जुलूस जा नहीं रहा, ये जुलूस आ रहा है। और मुझे अभी किसी ने बताया यहाँ पे कि यार ये पहला जुलूस गुजर चुका हुआ है वापस, वो इससे ज़्यादा बड़ा था, ये दूसरा जुलूस है। चलो करो इंजॉय भाई। ये पता नहीं किस तरह चला लेते हैं यार ये गाड़ियाँ, इतना आगे बढ़ा के उन्होंने लगाया होता है जाया हुआ। देखना आगे से किस तरह से जाए हुए हैं, तो वो मेरी समय से बाहर है कि ये किस तरह देख लेते हैं। लोग उसको बुलाते हैं तो नज़र आ जाता होगा भाई ऊपर भी बंदे किस तरह चढ़े होते हैं। प्यारा है वैसे, ज़्यादा प्यारा ये देखो भाई, ट्रैक्टर भी है और ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, और ड्रिफ्टिंग और आ गया, क्या बात है ज़बरदस्त। स्लोली स्लोली रश बढ़ता जा रहा है भाई, लेकिन हम फायदा में ये हो गया कि हम ये कॉर्नर पर आके खड़े हो गए जिधर से हम गुजर के आएँ। ये सारा जो है जुलूस उस तरफ पे जाना है, तो टाइम से ही आ गए। ये अमीर भाई सब पे करे वीडियो ही ना आ रहे, अमीर भाई वाले चौक पे खड़े जहाँ पे अमीर भाई खड़े होते हैं मछलियाँ लगा के। तो ये वाला अगर हम वहाँ पीछे फंस जाते तो शायद वो बुरा हालात होते हमारे। अच्छा भाई, इधर से जो है हमारे जैसा जूस निकला है अभी, उसकी तो हमने बना ली है, दूसरा जुलूस था, पहला जुलूस निकल गया हुआ था। तो अभी देखते हैं जाके आगे, अगर बाजार में कोई चीज़ मिलती है तो जुलूस वगैरह हुआ वहाँ पर तो वो भी देख लेंगे जाकर। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, दूसरा जुलूस था, पहला भाई हमसे पहले ही निकल गया हुआ था, हम थोड़ा सा लेट हो गए, बहुत ज़्यादा बड़ा। अच्छा भाई, लिखा हुआ है लब्बैक या रसूलल्लाह, माशाल्लाह प्यारा था यार, काफ़ी बड़ा झंडा था। अच्छा, अभी कचहरी बाज़ार के अंदर इंटर हो चुके हैं भाई हम, और यहाँ पर रश देखो यार, क्या बात है यार। लेडीज़ ईद मिलाद नबी पे इतनी औरतें बाहर निकली होती हैं ना फैमिलीज़ के साथ, तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। लोग ऊपर से वो चीज़ें बांट रहे होते हैं, कोई खीर बांट रहा है, कोई जूस बांट रहा है, ये चलिए कोई मिल गया भाई ऊपर बाजार लेने के लिए। अब क्या बंदा इधर कह रहे यार, तो रास्ते में गाड़ियाँ रोकते हैं और रोक के चले जाते चीज़ें लेने के लिए। तो ये वो देखो यार, वो देखो यार, लोग का ज्यादा चिपड़ा रहे क्यों थले सुटने हैं, लोग चीज़ें छा रहे हैं जी, तो ये देख और भाई थले ना आ जाइए, सैर सुटते हो जो बेची में जी अंदे सारे। बेवकूफ़ी मेरी सबसे बड़ी यार, आगे तो भाई रश है भाई, आगे नहीं जाएगा ना। वो देखो वो भी चीज़ें बांट रहे हैं, सब लोग चीज़ें बांट रहे होते हैं, जिसकी वजह से रश बच्चों का औरतों का किस तरह लगा हुआ है यार। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ना लेफ्ट साइड पे चले जाएँ, शायद उधर से कोई जुगाड़ लग जाए रस्ते का, यहाँ पे तो मुश्किल है यार। ये इससे ये चौंक से आगे तो सारा ही ट्रक लगे हुए हैं। अब यहाँ पे ट्रक होने की वजह क्या है यार, ये वजह ये है कि भाई सारे जितने भी लोगों से जाए होते हैं
फैसलाबाद में, वो सारे घंटाघर ही लेके आते हैं उसको, और इधर वो इनामा दिए जाते हैं जिनके ज़्यादा खूबसूरत टक्स वगैरह हों। चलो लोग मुड़ी जा रहे हैं, देख लो वापस, अब बेहतर फैसला भैया आपका, वापस यहाँ से निकल जाओ, मैं भी निकल रहा हूँ। चल मेरी बसंती, घंटाघर भाई हम पहुँच गए घंटाघर के पास, लेकिन आगे यार इनामा बहुत ज़्यादा रश है यार, मैं तो नहीं जा सकता भाई आगे, तो मुझे लग रही है भाई यहाँ से ना कि बहुत ज़्यादा आए हाय हाय क्या करें भाई, वापस मोड़ते हैं, वापस मोड़ भाई रहे। सेवेंटी वगैरह हो ना कोई, तो वो इजली मुड़ जाती है, बड़ी गाड़ी जो सी है ना, ये बॉक्स वगैरह वजह से ना मुझे बाद में बड़ा तंगी होती है, गाड़ी मोड़ना भी मुझे मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ से भाई मोड़ना भी स्यापा ही है, कहाँ आगे पीछे से भी लोग आ रहे हैं, आगे से भी जा रहे हैं। चल यार खैर है, मोड़ जाएगी मुड़ जाएगी मुड़ जाएगी भाई, कर ला यार भाई, सफर कर जाए यार, गड्डी कटन दे तेरी मेहरबानी, सफर कर जाए, सफर कर जाए। वहाँ से तो भाई निकल के तो ये आ गए हैं हम घर वाली साइड पर निकले हैं भाई, और माशाल्लाह यार जब जितनी भी देखी मैं जगह पे, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है भाई, बहुत प्यारा बनाया है जिसने भी बनाया भाई, क्या बात है। तभी हम तक घर के भाई घर आ गए हैं, इतना अगर रश है ना बाजार में, आपको क्या क्या बताना, क्या आपने देख ही लिया होना है भाई, चढ़ेल से कुंडी नहीं लगती, चढ़ेल जैसे कुंडी नहीं तुमसे एक दरवाजे की लगती, हाँ बांदरी सही, बांदरी हो, चढ़ेल हो, डैन हो, मंकी हो, चूही हो, सुंडी हो, सुंडी तो सुंडी तो है ये थी। अच्छा भाई भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया भाई, क्योंकि रात को इनको लेके निकलना है चढ़ेलों को, तो फिर दोबारा बना लेंगे, तो फिलहाल मैंने रस्ते में से भाई चीज़ें ले ली आइडियल में से, ठीक है ना, तो खाते हैं भाई, पिज़्ज़ा लिया है मैंने, तो अभी जो सा है भाई पसीना भी बहुत आ रहा है मुझे, मैं जिस रास्ते की तरफ भी जा रहा था, जिस तरफ भी जा रहा था वहाँ पर बंद ही होता था, हर तरफ रास्ता बंद होता था, बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके भाई वापस आए हैं, तो रात को भी यही हाल होना है, लेकिन इतनी ज़्यादा दूर नहीं निकलेंगे हम, तो फिलहाल यार भूख लगी, खाना खा लें, तो फिर मिलते हैं आपसे। और ज़ैनब चुड़ैल मेरी उठ के आ गई है, ज़ैनब भाई उदास उदास है, उदास क्यों मेरा गुड्डा, हाँ मेरे गुड्डो उदास क्यों है इतना, हाँ इतना उदास क्यों मेरा गुड्डा, आपको मैंने वादा किया ना आपके साथ मैं शाम को जाऊंगा, आपको लेके तो जरूर लेके जाऊंगा बेटा, अंधेरा तो होने दो ना, लाइटिंग वगैरह सब जो सी होंगी बाहर वो रात को होती हैं, और रात को ज्यादा मजा आता है, गर्मी भी नहीं होती इतनी ज्यादा, अभी देखो मैं बाहर से आया हूँ तो मेरा कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है, देखो बांदर बाबा बाबा बांदर बने हुए हैं मैं देखो बांदर भर गया ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बेटा आप बांदर ना बनना, बची रहो, हाँ इतनी है, साफ सुथरी हो तो साफ सुथरी रहो, तो अभी आ जाओ, ये खाना है पिज्जा खाना है, ओ ये ज़ैनब के लिए स्पेशल, बेबी बिस्किट खाती तू आप, मैं भी खाता हूँ, इसलिए मैं अपने लिए ले गया, सिर्फ तुम्हारे लिए ले गया, मुझे ज्यादा पसंद है तुमसे, ये मेरे तो अपनी गुड्डी के लिए पैसे लिए थे, नाराज है सुबह से भी नाराज, तो हम बना लेंगे सुबह रात को, कोई बात नहीं। अच्छा भाई पिज्जा खा के खुद खाओ, नन्ना सा पिज्जा मैं अपने ने ले गया हूँ, तुम दोनों के लिए थोड़ी ना, ना तुम्हारे लिए ना ज़ैनब के लिए, नहीं ज़ैनब तो मेरी, ये तो प्रिंसेस है मेरी, इसके लिए तो है, तुम तो चढ़े हो, तुम्हारे लिए नहीं, तुम अपनी मामा की चढ़े हो, चलो नहीं तो याद ये मैं और मेरी प्रिंसेस ज़ैनब खाएगी बात, इसकी मामा और ये जो ही चढ़े ना, ये दोनों नहीं।
अच्छा भैया, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा ज़ैनब को कि हम जब भी पिज़्ज़ा खाने गए, ज़ैनब ने साइड से किनारे खाए हैं, कभी पिज़्ज़ा पूरा नहीं खाया। लेकिन आज तो मेरी गुड पूरा पूरा पिज़्ज़ा खा रही है। खाओ, खा के पूरा खाओ। वाह वाह जी वाह, तरक्कियाँ तरक्कियाँ हो गई। आज के बाद से मतलब हमारे दो दो एक तीन एक्स्ट्रा पीस होते हैं, वो भी तुम खा लिया करो। हाँ, ये कभी मैं खाऊंगी, तुम ही खाओगी आज। मेरे गुड्डो खाया करे, मैं 10-12 पिज्जे खिला दूंगा तुम्हें, जितने कहोगे खिलाया करूंगा। इससे ही नहीं खिलाने, चल निकल करो। फिर खाइए नहीं सारा पिज्जा, खाओ खाओगे। तुम ही खिलाया करे बस मैंने। बूम, लो जी रेडी हो गए। पहले से हम और जाने के लिए हम हैं बिल्कुल तैयार बार, क्योंकि मैं सो गया था भाई बड़े मजे से। तो अब उठा हूं तो प्रिंसेस मैंने देखा है मेरी हुई बड़ी है रेडी। ये देखिए मेरी पेंसिल रेडी है, और ये देखिए मेरे डैन भी वैसे रेडी है साथ साथ। ये डैन जैसी वो भी रेडी। आजा मारो इसे, मुक्केल करो। मेरी पेंसिल जो है वो बहुत अच्छी है, पापा की बात मानती है। ये तो डैन है पूरी की पूरी, डैनो डैन है, नीरव डैन है। चलो 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 ठीक है, चलो चलो तुम भी मेरी प्रिंसेस हो, पर दंत टूटी प्रिंसेस हो। तुम्हारे दो दान नहीं ना इसलिए। ओके यार निकलते हैं भाई, जाके देखते हैं लाइटिंग वगैरह इनको दिखानी है भाई जाके। ओके लो जी, पैरियां लुडियां कमलाओ, तरीकी तरीकी लुडी पाओ, लुडी पाओ। इसकी मीना की तरह में और टेलीफोन की तार नजर आ रही हो तेरी। यार ये नहीं होना चाहिए, बहरहाल इस तरह तो ये बकरी लुड़िया भाई अंडे पे ने, लेकिन अपने लोगों की मर्जी है यार। अच्छा भाई यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है भाई? हाँ यहाँ पर तो भाई महफिल थी सच, आज बहुत बड़ी महफिल है यार। ये पूरा ग्राउंड जो सा तकरीबन इसमें मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार से ज़्यादा चेयर लगी थी आज, तो बहुत ज़्यादा इधर रश है। लेडीज के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। चक्कर नहीं लगेगा, मेरा मूड था, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे, भाई फंस जाना आ गया अगर आए हम। मैडम सही ठीक है? रश चेक करो भाई, रश चेक करो, बंदा तो की करे कितना नंगे बंदा, 15 मिनट से यहाँ पे मैं बसा हुआ। लो भी हम घर आ गए हुए हैं, और घर आके देखा तो हमारे घर में 1-2-3-4-5 काकी आए हुए। ये थोड़ी बड़ी काकी है, अभी जनवा के रही हो। हेलो अखा गोली है ना, इधर भी देख ला, इधर गुस्से ची रहता, लड़न दे मूड ची रहता जो भी कहते। और भी कैसे हो, ठीक हो? सब ठीक हो, तुम अंकल बन गए हो खैर। हाँ इतनी बड़ी आने की वाली है, हाँ तो बहुत, तो अपना चेहरा वे चेहरा तेरा एडा वड्डा रही है, जिड्डी वड्डी आने की लाई तू। हाँ हाँ देखता नहीं कि आ गौर तो कर अपना चेहरे, हाँ तो फिर थोड़े छोटे लगा लेने थे ग्लासेस। ये मेरे ऐसा बड़ा मुंह हो ना, उसके ऊपर ही अच्छे लगते हैं, छोटे से ऊपर ही लगते। चलो मेरा मजा आया फिर बाहर पीने का। बाहर फिर क्या है तुम लोग नहीं फिर क्या? बहुत रश है, बहुत बहुत रश है, बहुत ज्यादा रश था भाई। ओके भाई अच्छा जी, आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं जी। अगर अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह।